छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौठानों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी के गौठानों की पोल खोलने वाले अभियान के जवाब में कांग्रेस ने मेरा गौठान मेरा अभिमान मुहिम छेड़ दी है। देखिए ये रिपोर्ट। जो ये आप गौठान देख रहे हैं डोंडरी लोहारा विकासखंड के ब्लॉक में है, जो 19 लाख रुपए से बना है। यहाँ चारा है ना पानी है, गौठानों की यही कहानी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो सरकार है उनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी के नेता ना केवल गौठानों पर जाकर हकीकत बता रहे हैं, बल्कि इस तरह से उसकी लाइव कमेंट्री भी कर रहे हैं। जो नेता इस तरह से लाइव कमेंट्री नहीं कर पाते वो मीडिया को साथ लेकर चल रहे। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता चल वो गौठान खोल वो कोल अभियान के तहत गौठानों में जाकर सरकार की गोधन न्याय योजना की पोल खोलने में जुटे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने जबरदस्त घोटाला किया। गौठान जब हम जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि गौठान में गाय नहीं है, गायों के लिए छाए की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। मुर्गी शेड बना है, उस शेड में मुर्गी नहीं है। बकरी शेड बना है, उसमें बकरी नहीं है। मशरूम शेड बना है, उसमें मशरूम नहीं है। गौठान में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। अब बीजेपी के इस अभियान के जवाब में यूथ कांग्रेस ने मेरा गौठान मेरा अभिमान पखवाड़े की शुरुआत। कांग्रेस के नेता गौठानों में जाकर सेवा का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मीडिया के सामने बीजेपी सरकार के आंकड़े रखकर भी आरोप लगाए। गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदर माट कर दिया। 15 साल में रमन राज के दौरान 70,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई, चारा नहीं खिलाने के कारण हुई, गौशाला में हुई। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर। इससे पहले पीएससी एग्जाम के नतीजों को लेकर भी इसी तरह की सियासत हुई थी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।